बीजेपी एमएलसी सुरेंद्र चौधरी की खुलेआम गुंडई। बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता मनोज अग्रवाल के साथ उनके ही ऑफिस में घुसकर की मारपीट। अभियंता को ऑफिस से घसीटकर पीटा। एक बकायेदार का लाखों रुपए बिजली के बकाये को माफ कराने का एमएलसी सुरेंद्र चौधरी बना रहे थे दबाव। पुलिस को दी गई शिकायत। दरअसल मेदौरी इलाके में एक मकान में बिजली चोरी पकड़ी गई थी और उस मकान पर 2 लाख का बकाया होने पर बिजली विभाग ने लाइट काट दी थी। आज बीजेपी के एमएलसी सुरेंद्र चौधरी और उनके साथ 10 से 12 लोग टैगोर टाउन स्थित एएक्सीएन मनोज अग्रवाल के ऑफिस पहुंच गए और हंगामा करने लगे। एक्सीएन मनोज अग्रवाल के मुताबिक सुरेंद्र चौधरी ने उनको ऑफिस में घसीटा और मारपीट कर गालियां दी। लगभग 15-20 लोग चिल्लाते हुए कौन है मनोज ऐसा चिल्लाते हुए बाहर की तरफ अंदर की तरफ आए कमरे में। ठीक, मैं परिचित नहीं था उनमें से उस टाइम किसी से भी। बाद में परिचय हुआ कि एमएलसी साहब हैं हमारे। ठीक, तो मैं खड़ा हुआ तुरंत ही, नमस्ते करी। ठीक, मैंने कहा बैठे तब तक। लेकिन उन्होंने मुझे जकड़ लिया, 4-5 लोगों ने उनमें से, और घसीटते हुए बाहर बिठाओ गाड़ी में। मतलब हम समझ भी नहीं आया कि प्रकरण क्या है। वो कल से ही जुड़ा प्रकरण था। वो चोरी चोर कंज्यूमर को छुड़ाना चाहते थे, एक जिसके लिए हमने मना कर दिया था कि साहब छोड़ा नहीं जा सकता। और उसके लगभग आधे घंटे बाद ही कल की चेकिंग में डायरेक्टर साहब भी, हमारे एससी साहब भी सब साइड पे पहुंचे, भी उनको दिखाया भी क्या साहब ये चोरियां पकड़ी हैं आज यहाँ पे। उस केस को भी दिखाया गया था और उनको बताया भी गया डायरेक्टर साहब को कि साहब एमएलसी साहब का फ़ोन आया था और वो इस तरह से कह रहे थे। ये कल उनकी जानकारी में ले आए थे हम चीज़, हमारे दरोगा जी भी ले आए थे, हम भी ले आए थे जानकारी में। तो घसीट कर इधर गैलरी में ले आए तो हमारे एकदम कर्मचारी सजग हो गए। 10-15 कर्मचारी तो हमेशा दफ्तर में रहते ही हैं। उन्होंने मेल जो थे वो सामने आए, उन्होंने रोकने की कोशिश की हमें बचाने की, तो वो बलपूर्वक उनको हटा दिया गया। मतलब वो कंट्रोल नहीं कर पाए, काफ़ी लोग थे। ठीक, लेकिन हमारे उसके बाद हमारे दफ्तर की महिला कर्मचारी, तब तक मुझे बहुत बाहर तक ले आए, गैलरी के बाहर तक एकदम बिल्कुल लगभग 10 मीटर से ज़्यादा घसीटते हुए। ठीक, फिर यहाँ पर महिला कर्मचारी एकदम गेट के सामने अड़के खड़ी हो गई कि हमारे 3 महिला कर्मचारी थी कि कैसे ले जाओगे हमारे साहब को, आप कैसे बदतमीजी कर रहे हो, आप मारपीट कैसे कर रहे हो हमारे कर्मचारी अधिकारी के साथ आप। ठीक, उनके साथ भी जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन बहुत ज़्यादा जबरदस्ती महिलाओं के साथ वो नहीं कर पाए। ठीक, तो वहाँ पे वो ढीले पड़े, फिर वापस हमें पीछे ही ले गए। फिर खैर बैठे, बातें शुरू हुई। मतलब हमने कहा बताएं साहब क्या मुद्दा है, तो वो कल वाला मुद्दा गोल कर गए एकदम से, एकदम भाषा बदल गई उनकी टोन, मतलब माननीय विधायक जी की, हमारे एमएलसी साहब की। ठीक, मैंने कहा सब कल आपने उसके लिए बोली, तब वो वहाँ पे एकदम गोल कर गए, नहीं मैंने तो कोई पैरवी नहीं करी थी। लेकिन वो सामने सज्जन खड़े भी थे जिनकी वो पैरवी कर रहे थे, वो भी कमरे में थे उस टाइम पे। ठीक, बाद में जब चीज़ें खुल गई तो वो उन सज्जन से बात भी करने लगे, बताओ कैसे जुड़वाई जाए, छोड़ो अभी क्या बात करें तुम्हारी, इस तरह की बातें वो करने लगे। आपके साथ मारपीट भी हुई? जब मुझे घसीटा गया तो मुझे पीछे से मारा भी किया सर, इसमें कोई कहने में मुझे गुरेज नहीं है। मेरे हाथों में भी नोचा गया बुरी तरह, मारा भी किया और पीछे भी मारा गया मुझे। यहाँ पे खुद मौजूद थे जी, वो ही थे सबसे पहले, तो आगे तो वही आए थे खुद ही, उसके साथ 10-15 लोग थे। अधिशासी अभियंता मनोज अग्रवाल के मुताबिक इस दौरान उनके स्टाफ की 2 महिलाएं भी उनको बचाने में लगी रही और कार्यालय के बाहर उनके साथ जमकर मारपीट की गई। इस घटना की जानकारी बिजली विभाग के अन्य अफसरों को हुई तो सभी एक्सीएन ऑफिस पर इकट्ठा हो गए और मौके पर सीओ कर्नलगंज और एसडीएम भी पहुंच गए। एक्सीएन मनोज अग्रवाल ने बीजेपी के एमएलसी सुरेंद्र चौधरी सहित उनके साथ आए लोगों के खिलाफ एफआईआर के लिए लिखित शिकायत दी। हम लोगों को ये पता चला, एक्सीएन साहब ने बताया कि माननीय एमएलसी साहब अपने 4-5 लोगों को लेके आए और हमको अंदर से घसीटते हुए बाहर ले आए, हमारे साथ हाथापाई की, हमारी मोबाइल छोड़ लिया, जो लोग वीडियो बनाए थे उनकी मोबाइल छोड़ लिया, और उसके बाद हमें काफ़ी बेइज्जत किए और काफ़ी आहत किए और कहा कि गाली वगैरह दिया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब आप इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे। अच्छा, जो एमएलसी है वो समाजवादी पार्टी के हैं या बीजेपी गवर्नमेंट के? सुरेंद्र चौधरी जी हैं जो कि एमएलसी हैं, बीजेपी के हैं, और इसके पहले परसों भी हमारे कुछ 2 लोग, हालांकि उस लाइन में 24 चोरियां पकड़ी गई थी, एक आदमी को माफ़ किया जाता तो एक गलत मैसेज जाता। और माननीय चौधरी जी सम्मानित प्रतिनिधि हैं, उनको इस तरह के आके सरकारी ऑफिस में बवाल करना उचित नहीं है। उन्होंने आके हमारे अधिशासी अभियंता के साथ बदतमीजी किए, उनको घसीटे, आपको मीडिया में उन्होंने दिया भी है, वो सारी जानकारी भी आपको है, और इसका पूरा इलाहाबाद के अभियंता, मुख्य अभियंता, अधिष्ठ अभियंता और हमारे अवर अभियंता साथी भी, और जो कर्मचारी यूनियन है और उनके जो स्टाफ है संविदा कर्मचारी और हमारे सरकारी लाइनमैन,
ये सब लोग आक्रोशित हैं और सब लोग कहीं ना कहीं भयभीत हैं कि सरकार हमको प्रोटेक्शन नहीं दे सकती और सरकार के लोग ही हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, तो ये गलत मैसेज सरकार के खिलाफ जा रहा है जो कि ये ठीक नहीं है। हम यहाँ क्षेत्रीय सचिव प्रयागराज हैं।